हाय गाइस, तो ये मेरी पहली प्रॉपर वीडियो है, तो मैंने सोचा इसमें आपको मैं सारे इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊं कि मैंने कौन से इक्विपमेंट्स कहां से और कितने में खरीदे और क्यों खरीदे। सो लेट्स गो। सो स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस बैंड और एक बैग था जिससे मैं सारे वर्कआउट मेरे कर रहा था। तो जब लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे था, तो मुझे एक दुकान खुली मिली और वहाँ से मुझे सिर्फ ये 400 रुपीज में रेजिस्टेंस बैंड मिले। तो स्टार्टिंग में मैं ये जो बार है इस पे ही सारे मेरे पुल वर्कआउट और पुलअप्स के वर्कआउट करता था सारे बॉडी में, और ये जो बैग है इसमें मेरे बुक्स डाल के उससे वेट क्रिएट करता था और फिर उसी से सारे ट्राइसेप बाइसेप और चेस्ट के वर्कआउट करता था, इवन शोल्डर्स। फिर मुझे था कि ये होम वर्कआउट्स थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, तो इसलिए एक शॉप मुझे खुली मिली थी और वहाँ पे मुझे अच्छे रेट पे मिल रहा था, तो अराउंड ये 4-5 thousand का मुझे मिला। और ये पंचिंग बैग भी मैंने खरीद लिया ये सोचते हुए कि यार थोड़े MMA टाइप के मैं कुछ वर्कआउट्स करूँगा, तो इसलिए मैंने ये खरीद लिया। और फिर जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन में ईज आया और अमेजोन से चीज़ें डिलीवर होने चालू होगी, तो मैं एक और इक्विपमेंट के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था जिससे मुझे लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे मेरे होम वर्कआउट, वो था रोमन रिंग्स, जिमनास्टिक रिंग्स। तो इसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। ये रोमन रिंग्स मैंने खरीदी थी अमेजोन से और इसका कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ था। ये रोमन रिंग्स के साथ साथ मैंने दो और चीज़ें अमेजोन से खरीदी थी, ये पैरेलल बार्स जो मुझे मेरे ट्राइसेप्स वर्कआउट में लेग डिप्स करने में काफ़ी हेल्प कर रहे थे, इनक्लाइन पुशअप्स इस पे जब करता हूँ तब भी यहाँ पैर रखने में काफ़ी आसानी रहती है, इवन स्प्लिट स्क्वाट्स करने होते हैं तो ये पैरेलल बार्स काफ़ी काम आते हैं। और ये जो मैट है ताकि इस पे जंपिंग और ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शॉक एब्जॉर्ब रहे और इसमें थोड़ा स्लिप भी नहीं करते, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये दोनों चीज़ों की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने चीज़ें खरीदी जिससे मुझे लगा कि लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वो थे ये कुछ वेट्स और ये बार। सो ये मैंने एक लोकल स्टोर से ही ख़रीदा, बार मुझे अराउंड 4-5 thousand में पड़ा, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा कॉस्टली पड़ा मुझे, और भी अगर मैं स्टोर्स पे चेकआउट करता तो शायद ही सस्ते में पड़ सकता था। और वेट्स हैं ये मुझे 100 rupees पर kg के रेट पे पड़े। एक और अच्छी टिप, मैंने एक भी डंबल नहीं खरीदा, क्योंकि प्लेट्स अगर ऐसे हैं जहाँ पे आप ग्रिप कर सकते हैं जिसे आप पकड़ सकते हैं तो डंबल खरीदने की वो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है, इससे भी आप सारे वर्कआउट्स उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप एक डंबल पे करेंगे। सो इससे मुझे लगा कि मैंने काफ़ी सारा कॉस्ट सेव किया, तो इसीलिए मैं ये आपको सबको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप भी कुछ सेट कर रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर अ बार एंड सम प्लेट्स। इसको खरीदने के बाद लिटरली लाइक मैंने मेरे लाइफ में, मैं जब जिम जाता था हमारे इंस्ट्रक्टर पता नहीं क्यों डेडलिफ्ट करने को कभी सिखाया ही नहीं, और मुझे भी नहीं पता था डेडलिफ्ट कितने इंपॉर्टेंट है, तो ये जब खरीदा तो मैंने डेडलिफ्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। लाइक मैं 50 kgs भी नहीं उठा सकता था डेडलिफ्ट पे, और अभी मैं विद इन 1 year में 135 तक भी मैं गया हूँ। सो स्लोली स्टेडीली मैंने घर पे ही इतना प्रोग्रेस किया, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर इसके साथ ही साथ मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं स्क्वाट्स कर सकूँ और लेग्स पे वर्कआउट कर सकूँ। सो फिर मुझे लगा कि ये जो एक इक्विपमेंट है, सो लाइक ये लाने से मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि मैंने अगेन कॉस्ट बेनिफिट किया, क्योंकि अगर स्क्वाट रैक का अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो सारी चीज़ें अराउंड 30,000 या उसके अबव ही जाती है, तो कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो कॉस्ट में भी कम हो और मेरा काम भी हो जाए। तो फिर इसका मुझे आइडिया आया, तो इस पे फ़ायदा क्या होता है कि मैं डिप्स कर सकता हूँ, इस पे मैं इवन एब्स की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और जब यहाँ स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो भी ये अच्छा स्ट्रेंथ में, बिकॉज इसका जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा प्रोडक्ट का तो ये 120 kgs तक उठा सकता है, तो दैट इज़ रियली गुड फॉर मी। उसके बाद सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि मुझे मसल अप करने का और मसल अप सीखने का काफ़ी दिनों से प्लान चल रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर इतना गैप नहीं है कि मैं एक मसल अप आराम से कर सकूं। सो मुझे एक बार मिला, अगेन अमेजोन से मिला, सो दिस वाज अराउंड 5,000 रुपीज़,
तो ये बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और सही लगा क्योंकि इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। और आपने एक वीडियो भी आप देख सकते हैं कि मैंने मसल अप एक्चुअली करना सीख लिया, तो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता जब मैंने स्टार्ट किया था होम वर्कआउट्स करना कि मैं मेरे डेडलिफ्ट सुधार पाया, मैं मेरे स्क्वाटिंग सुधार पाया, इवन मैं मसल अप कर पाया। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने जिम छोड़ा उससे सारी चीज़ें जब मैंने करने की कोशिश की, मैंने मेरे सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स को क्रॉस किया और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। लाइक जिम बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सारी फ्रस्ट्रेशन आदमी जाके दिन की निकालता है, तो एक काइंड ऑफ एडिक्शन हो जाता है। तो वो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ऐसे कोविड सिनेरियो में मैं मेरी फिटनेस जर्नी को कैसे और आगे ले जा पाऊँगा। बट आगे ले जाने का तो छोड़ो, मैंने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। ये सिर्फ जिम ही नहीं है मेरे लिए, जब भी मैं यहाँ आता हूँ इट इज़ काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर मी, क्योंकि मैं खुद से काफ़ी इंटरेक्शन करता हूँ, मैं मेरे पूरे दिन का एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे एक जो मोटिवेशन का एक फ्लेवर है जो और भी डबल हो जाता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंटिंग। सो ये मेरा और शिवानी का काफ़ी टाइम से ऐसा प्लान था कुछ तो ऐसा करेंगे, तो हम दोनों ने मिलकर मेरी पेंटिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, सारे फ्रेंड्स को हमने बुलाया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग बने। तो यहाँ मुझे ब्लिसफुल लगता है और जो कामनेस लगती है और साथ ही साथ उतनी एनर्जी भी लगती है। सो आई थिंक ये सेटअप मेरे लिए वर्ल्ड्स बेस्ट सेटअप है और शायद मैं अब सोच भी नहीं रहा हूँ कि जिम खुलेंगे भी तो मैं शायद जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव अगर ऐसा ही जिम सेटअप करना चाह रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।